देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। पॉपुलर के साथ आप जो है कई फसलें ले सकते हैं। जनरली आप जो छाया प्रिय फसलें हैं, जैसे कि पॉपुलर के साथ आप हल्दी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपने पॉपुलर कृषि वानिकी सिस्टम में 5x4 मीटर की दूरी पर लगाया है, 5 मीटर लाइन से लाइन, 4 मीटर पौधे की पौधे दूरी, तो इसमें आपका ट्रैक्टर भी चल सकता है। इसके अलावा इसमें आप आलू भी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं सारा। और स्पेशली इसमें आपका कोलोकेशिया, जिसे हम अरबी बोलते हैं और हल्दी बोलते हैं, ये दोनों ही फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं। स्पेशली आपका गन्ना भी 2-3 वर्ष तक हो जाता है, बाकी गेहूं भी होता रहता है, और लगभग आलमोस्ट सारी फसलें हो जाती हैं। लेकिन जब ये पौधा 6 और 8 वर्ष के बीच का हो जाता है, ज़्यादा डेंस और ज़्यादा पत्तियाँ हो जाती हैं, तो फिर हमें छाया प्रिय सब्जियाँ और फसलें ही लगाना चाहिए। जैसे छाया प्रिय से मतलब हमारा है कि आपका कोलोकेशिया यानी अरबी है और हल्दी है, ये दोनों ही इसमें बहुत अच्छी होती है और इनको बड़े आसानी से इसमें लिया जा सकता है, और किसान ले भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जो छाया प्री से मतलब ये है, कुछ फसलें जब ऊपर कोई भी फसल, जैसे हम मक्का बो देते हैं या और कोई चना मटर बो दिया है, तो अगर छाया धूप कम मिलती है और छाया ज़्यादा रहती है, तो इनमें बीमारी आने की संभावना रहती है और फसल भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मैंने ये छाया प्री टर्म का इस्तेमाल किया। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दे रही सरकार, 900 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को दी मंजूरी। अब कहीं से भी फसल बीमा से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे किसान। हरियाणा सरकार ने तैयार किया खास पोर्टल। खरीफ फसलों के बीजों की जांच कराएगी सरकार। उत्पादन में सुधार के लिए सरकार ने की खास पहल। बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि मंत्री परिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं से किसानों को करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिसका लाभ फसल के उत्पादन पर भी देखने को मिलेगा। सरकार ने त्योथर परियोजना के लिए 89,83,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, जिसके जरिए त्योथर के करीब 52 गांवों की 7600 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा बहरानपुर जिले की पांगरी मध्यम सिंचाई परियोजना की लागत 45,10,00,000 रुपए होगी, जिसके तहत करीब 4400 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रशासकीय मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार खेती में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें करने में लगी हुई है, जिसका ही नतीजा है कि किसानों को केन बेतवा लिंक परियोजना से करीब 1,00,000 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का लाभ पन्ना, टीकमगढ़, शिवपुरी, विदिशा, दतिया, रायसेन, सागर, दमोह और छतरपुर जैसे जिले के किसान उठा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की माने तो 2025 तक प्रदेश में 65,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक खास पोर्टल की शुरुआत की है। बीते मंगलवार को इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए अब न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकेगा, बल्कि वो आसानी से बीमा का क्लेम भी ले सकेंगे
इस पोर्टल के जरिए किसान राज्य के किसी भी कोने में बैठकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें पोर्टल पर ही एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिससे वो अपनी शिकायत की कार्यवाही के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे। कृषि मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा आज के वक्त में देश के उन गिने चुने राज्यों में शामिल है जिनमें बीमा कंपनियों ने कुल प्रीमियम से अधिक क्लेम का भुगतान किया है। इसके अलावा विभाग द्वारा डाटा भी समय पर इकट्ठा किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा बीमा पोर्टल पर ही ग्रीवेंस निपटान की मॉड्यूल को शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार जल्दी इसमें अन्य मॉड्यूल या कॉलम जोड़ने का भी काम करेगी ताकि किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। बिहार समेत इस समय देश भर के कई राज्यों में रबी फसलों की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई किसानों ने खरीफ सीजन के लिए बुआई का काम भी शुरू कर दिया है। इस बीच बिहार सरकार ने किसानों को सहूलियत देते हुए एक जरूरी फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार का कृषि विभाग खरीफ सीजन के दौरान बीजों की गुणवत्ता की जांच करेगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण बीते कुछ समय से किसानों के खेतों में बीजों के फेल हो जाने की कई घटनाओं का सामने आना है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों की ओर से लगातार बीजों के प्रभावी ना होने की शिकायतें मिल रही थी और बिहार सरकार भी प्रदेश में बीजों की गुणवत्ता तय करना चाहती थी, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। इससे ना सिर्फ एक तरफ प्रदेश में स्वस्थ बीज बैंक बनेगा, बल्कि अगर किसान गुणवत्ता पूर्ण बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उनका उत्पादन भी बढ़ सकेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय बीजों की जांच के लिए कुल 7 बीज प्रयोगशालाएं हैं, जो कि पटना, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भभुआ, सहरसा और भागलपुर में है। प्रदेश भर से किसान यहाँ मौजूद प्रयोगशालाओं में अपने खरीफ बीजों की जाँच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, कृषि विभाग द्वारा बीजों की जांच कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। साथ ही महीने के हिसाब से बीजों के नमूनों का गणित भी तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य भर से खरीफ बीजों के कुल 4000 नमूनों की जांच का लक्ष्य तय किया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में किसानों की बेहतरी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसका बीते सोमवार को ही समापन किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्सपो में हरियाणा उद्यान विभाग की तरफ से 46 प्रगतिशील किसानों को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इन किसानों को 5100 रुपये से लेकर 11000 तक के नगद पुरस्कारों से नवाजा गया है। हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव जाजल और यूपी के जिला बागपत के गांव निवाड़ा के किसानों के बीच चल रही सीमा विवाद के कारण फिर से टकराव बढ़ने लगा है। गांव जाजल के किसानों ने निवाड़ा के किसानों पर 20 एकड़ गेहूं की फसल काटकर ले जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 9 क्विंटल गेहूँ भी बरामद किया है। महाराष्ट्र में प्याज किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल प्रदेश में प्याज की कीमतों में आई कमी से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार फिर किसानों के सामने अपने ही खेतों में फसल को बर्बाद करने जैसे हालात पैदा हो गए हैं। किसानों का कहना है कि प्याज का भाव इतना गिर गया है कि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा ढैंचा के बीजों की खरीद करने पर किसानों को 80% का अनुदान दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम 120 किलोग्राम ढैंचा के बीज पर इस छूट का फायदा उठा सकता है। बता दें कि प्रदेश के किसान ढैंचा बीज पर ये लाभ उठाने के लिए 25 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
जल्द ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किसानों के लिए भी पशुओं का तुरंत इलाज करा पाना संभव हो सकेगा। इसके लिए अब मोबाइल एम्बुलेंस पशुपालकों के घर जाकर पशुओं का इलाज करने के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी मुहैया कराएगी। बता दें कि इस बात की जानकारी मंगलवार को यूपी पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि ने दी है। तो इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।